Here is the explanation of the poem name Take Time. इस पोयम में राइटर आपको बताना चाहते हैं कि हमें वक्त निकालना चाहिए हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एडमायर करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए. यहाँ पर उन्होंने आपको पहले तो एग्जांपल दिया है कि हमारी जो अर्थ है उस पर क्या क्या है. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं स्नो कवर्ड पीक से लेकर डीप ट्रेंचेस ऑफ द ओशियन, पहाड़ों की ऊँचाई पर जो बर्फ जमी हुई है वहाँ से लेकर समुद्र की गहराई तक, रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों तक, सभी जो व्यू हैं, जो साइट्स हैं वो ब्रीथ टेकिंग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, सारे व्यू बहुत ही अच्छे हैं. आपको क्या ज़्यादा पसंद है, आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्या देखना चाहेंगे? तो इस पोएम को पढ़ते वक्त पहला सवाल ये आपको खुद से करना है कि आपको क्या पसंद है, आप कौन सी जगह पर जाना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर आपसे कह रहे हैं कि समय निकालिए और सनसेट को देखिए. सनसेट में जो कलर वेरिएशन आते हैं वो आपकी आँखों को चमक देने वाले हैं, वो बहुत ही सुंदर व्यू होता है. थोड़ा समय निकालिए और उस व्यू को देखिए. थोड़ा समय निकालिए और चंद्रमा की रोशनी में समुद्र को देखिए. मून लिट सी का मतलब होता है रात के समय जब चंद्रमा रहता है, मून रहता है, तो उसकी रोशनी में समुद्र को देखिए. और लास्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि वंडर से, आश्चर्य के साथ टावरिंग ट्री, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखिए. आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा समय निकालिए और फ्लावर्स के हर्ट में देखिए. जो फूलों को जब आप देखते हैं तो उन्हें बड़े ही अच्छे से देखिए. बारिश के टाइम जब बारिश की बूंदें उन फूलों पर पड़ती हैं, उनकी पत्तियों पर पड़ती हैं, तो वो किसी डायमंड से कम नहीं लगती. जब वो शाइन करती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो बिल्कुल डायमंड की तरह शाइन करती हैं. फिर वो आपसे कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है, ब्लूएस्ट स्काई के अगेंस्ट, नीले आसमान के सामने जो बर्फ़ जमी हुई है ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर, उस बर्फ़ को देखिए, उन पहाड़ों को देखिए. फिर वो आपसे कह रहे हैं कि सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाँ जो सुबह से चहचहाती हैं उनके सॉन्ग्स को सुनिए. ये वो मेलोडियस सॉन्ग है जिसमें कोई शब्द नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में. फिर वो आपसे कह रहे हैं कि टेक टाइम, समय निकालिए और अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड को बताइए कि उसके लिए आपका जो प्यार, आपकी जो लॉयल्टी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी. लास्ट पैराग्राफ में आपसे कहा गया है टेक टाइम टू स्टॉप एंड स्टैंड एंड स्टेयर, समय निकालिए, रुकिए, खड़े होइए, चीज़ों को देखिए, गौर से देखिए. आपके चारों तरफ वंडर्स ही वंडर्स हैं, आपके चारों तरफ अजूबे ही अजूबे हैं अगर आप गौर से देखें तो. समय निकालिए, टेक टाइम टू मेक टाइम, समय निकालिए समय बनाने के लिए. फॉर सून देयर मे बी नो टाइम, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास कोई भी समय नहीं बचेगा, तब आप पछतावा सिर्फ आपके हाथ में रह जाएगा, रिग्रेट आपके हाथ में रह जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में. इसीलिए समय रहते सब कुछ हमें कर लेना चाहिए ताकि आगे चल के हमें ये रिग्रेट ना हो कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया. अक्सर यही होता है कि हमें जो चीज़ें पसंद हैं हम उनको हमेशा पेंडिंग में डाल देते हैं कि इसको बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. लेकिन राइटर आपको यही बताना चाहते हैं कि हमें उन चीज़ों को पेंडिंग में नहीं डालना है बल्कि उन चीज़ों पर फोकस करना है और उनको समय देना है, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हमें खुश रख सकती. फर्स्ट क्वेश्चन, एंड लुक इन ऑ एटा, यहाँ पर राइटर किस चीज़ को देखने के लिए कह रहे हैं? तो राइटर टावरिंग ट्री को, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखने के लिए कह रहे हैं. ऑ का मतलब होता है वंडर, आश्चर्य में देखना. तो राइटर यहाँ आश्चर्य में देखने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखेंगे तो आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आश्चर्य के साथ आपको खुद लगेगा कि ये कितना ब्यूटीफुल है, कितनी वंडरफुल थिंग है जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए राइटर कह रहे हैं कि हमें समय निकालना चाहिए? तो राइटर हमें सनसेट देखने के लिए, माउंटेन्स देखने के लिए, फ्लावर के हर्ट में देखने के लिए, अपने दोस्त को बताने के लिए कि आप उनसे कितने लॉयल हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए समय निकालने के लिए कह रहे हैं. What aspects of natural beauty? Natural beauty की कौन कौन सी चीज़ें poem में highlight है? तो poem में snow peak mountain से लेकर deep ocean, flowers, songs of birds, ये सारी चीज़ें highlight की गई हैं. Contrast in the poem, contrast in the sense कि दो opposite चीज़ें, दो different color बताए हूँ. जैसे ऊंचे पहाड़ बताए हैं तो उसके साथ ocean की गहराई बताई गई है. Sunrise बताई है तो उसके साथ sunset बताया है. सनलाइट बताई है तो उसके साथ मून लाइट बताई है. ये सारे कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर आपको बताए गए हैं.
लास्ट स्टेंजा में राइटर आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। यहाँ आपको वार्निंग दी जा रही है कि इन सब चीज़ों के लिए वक्त निकालिए, समय निकालिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास कोई भी समय नहीं बचेगा, सिर्फ आपके हाथ में रिग्रेट रह जाएगा। इसीलिए वक्त रहते चीज़ों के लिए समय निकालिए, हर चीज़ को, हर ब्यूटी को एडमायर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ताकि बाद में आपको कोई पछतावा ना रह जाए कि मैंने कुछ नहीं कर पाया। सो द मोरल ऑफ द पोयम इज टेक टाइम फॉर एवरीथिंग, स्पेंड योर प्रीशियस टाइम इन द गुड थिंग्स दैट यू लाइक, दैट यू एडमायर। थैंक यू एवरीवन।